मॉर्निंग गाइस, तो हम म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी प्लांट्स की लिस्ट देखी थी जो क्या म्यूटेशनल ब्रीडिंग के थ्रू बनाए गए हैं, करेक्ट। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है म्यूटेशनल ब्रीडिंग में, वो आता हमारा बायोफॉर्मेटिक्स। बायोफॉर्टिफिकेशन का, बायोफॉर्टिफिकेशन मतलब हमारे जो लोकल प्लांट्स हैं उनमें हम मिनरल्स की, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा बायोफॉर्टिफिकेशन मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा बायोफॉर्टिफिकेशन हो जाएगा। अगर हम प्लांट्स में, प्लांट्स के वैरायटीज़ में हम क्या है प्रोटीन विटामिन्स वगैरह को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा बायोफॉर्टिफिकेशन। अब देखिए, ऐसे कुछ प्लांट्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं जिनमें क्या है ये प्रोटीन विटामिन वगैरह की मात्रा को बढ़ाया गया है। जैसे कि हम लेके चलें तो हम सबसे पहले प्रोटीन लेके चलते हैं। देखिए, एक तो मटर की वैरायटी में और एक फ्रेंच बीन, इनमें क्या है प्रोटीन की मात्रा को या प्रोटीन की क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया है। इसके बाद में हम बात करें तो हमारा आयरन है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आयरन में सबसे पहला नाम हम लेते हैं स्पेनिश का, हमें हमारे पालक और चिनोकोडी, इनमें क्या है हमारी लोहे की मात्रा को बढ़ाया गया है। और विटामिन्स की बात करें तो हम कैरेट में विटामिन ए को इंक्रीज किया गया है, टमाटो में इसमें क्या है विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाया गया है। इसके अलावा हम ले सकते हैं मस्टर्ड, पम्पकिन, इनमें क्या है विटामिन्स की मात्रा को बढ़ाया गया है। तो अगर हम किसी प्लांट्स में विटामिन्स मिनरल्स की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन कहेंगे। तो ये है हमारा, यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रिशन वाला है वो तो खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है हमारा पॉलीप्लॉइडी से रिलेटेड। प्लांट में हम पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करके, या हम कहें कि पॉलीप्लॉइडी प्लांट ब्रीडिंग में किस तरह से हमारी यूजफुल होती है, और पॉलीप्लॉइडी के थ्रू कौन कौन से प्लांट्स बनाए गए हैं। पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स, या हम कहें पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट ब्रीडिंग, या पॉलीप्लॉइडी के हमारे क्या क्या काम होते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। तो सबसे पहले तो हमारी पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, तो पॉलीप्लॉइडी होती है बहुभुणिका। मीन्स हमारे जो हर इंसान में या हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम डेफिनेट नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम गिम्प लेके चले तो गिम्प में ना 14 क्रोमोसोम होते हैं, और हम 14 क्रोमोसोम को कहें तो, या हम कहें 2 सेट प्रेजेंट है, ठीक है। एन का मतलब 7 हो जाएगा, मतलब एग यूनिट या एक सेट, और ये हो गया 2N हो गया हमारा 14। अब क्या है, इसके अगर सेट्स में नंबर में बढ़ोतरी हो रही तो उसे हम पॉलीप्लॉइडी कहेंगे, या फिर हम कहें क्रोमोसोम के सेट में बढ़ना पॉलीप्लॉइडी है, या ऑर्गेनिज्म में एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम का मिलना हमारा क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। तो क्या है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में
एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। अब देखिए यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम के सेट में बढ़ोतरी होना हमारा क्या है, पॉलीप्लॉइडी। तो हमारे पास यहाँ पॉलीप्लॉइडी की दो डेफिनेशन निकल जाती है, या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट हो या फिर हमारे हम कहें कि सेट के नंबर में बढ़ोतरी हो जाए तो वो क्या है, हमारी पॉलीप्लॉइडी। तो देखिए पॉलीप्लॉइडी जो वर्ड है सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने ब्रेन कर उन्होंने दिया था। पॉलीप्लॉइडी वर्ड है ये विंकलर ने दिया था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पॉलीप्लॉइडी कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास जो हमारी पॉलीप्लॉइडी होती है वो दो टाइप की होती है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और आलो पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी है ये हमारी दो टाइप की होती है, फर्स्ट ऑटो पॉलीप्लॉइडी और सेकंड है हमारी आलो पॉलीप्लॉइडी। अब देखिए ऑटो पॉलीप्लॉइडी यानी खुद के सेट्स के नंबर में बढ़ रहे हैं तो क्या है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, या हम कहें सेल्फ क्रोमोसोम का इंक्रीजमेंट ऑटो पॉलीप्लॉइडी है। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास खुद के सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है, तो अगर हमारे खुद के क्रोमोसोम के सेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। लेकिन अगर हम कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या हम कहें कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कुछ नई प्रोजेनीज बनाते हैं या कुछ हम नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिनमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, तो उस जो सिचुएशन में क्या है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट हो और उसमें अगर पॉलीप्लॉइडी हो जाए तो क्या होगा, वो आलो पॉलीप्लॉइडी, या फिर हम कहें डिफरेंट क्रोमोसोम के सेट्स में बढ़ोतरी होना क्या है, हमारा आलो पॉलीप्लॉइडी है। तो हमारे ऑटो पॉलीप्लॉइडी मतलब सेल्फ क्रोमोसोम के सेट में बढ़ोतरी होना, और ऑटो पॉलीप्लॉइडी डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में बढ़ोतरी होना। सेल्फ क्रोमोसोम के सेट में अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो वो हमारा हो जाएगा ऑटो पॉलीप्लॉइडी, और आलो पॉलीप्लॉइडी मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम के सेट्स है उनमें बढ़ोतरी होना। तो हमारी ऑटो पॉलीप्लॉइडी इंक्रीजमेंट ऑफ सेल्फ इंक्रीजमेंट इन सेल्फ क्रोमोसोम सेट तो हो जाएगी हमारी ऑटो पॉलीप्लॉइडी, या फिर हम कहें कि मल्टीपल नंबर में पाई जाए तो वो भी क्या हमारी ऑटो पॉलीप्लॉइडी। तो खुद के सेट्स के नंबर क्रोमोसोम के सेट्स के नंबर में बढ़ोतरी होना या इंक्रीजमेंट होना हमारा है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। वहीं हमारी ऑलो पॉलीप्लॉइडी है वो हो जाएगी
इसको हम देखें, ऑल ऑफ ऑल थर्टी वापस रिपीट करते हैं। किसी कारण से किसी ऑर्गेनिज्म में हम किसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम को एंटर करवाते हैं, या तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या म्यूटेशन के थ्रू, या हम कहें प्लांट ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट्स प्रेजेंट है और अगर उसके अंदर पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस हो तो कौन सी पॉलीप्लॉइडी होगी? आलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया ऑलो ऑटो और आलो पॉलीप्लॉइडी, ये हमारे टाइप्स हो गए। उसके बाद पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस होती है तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू क्या है हम इंड्यूस करवा सकते हैं। तो अब हम उन मेथड्स की बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक तो हमारा होता है इंजरी। आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जहां पर किसी भी प्लांट्स को इंजरी लग जाती है, चोट लग जाती है, कट वगैरह लग जाता है, वहां पर क्या होता है, एक हम बात करें तो एक देखिए ये हम किसी प्लांट पर कट लग जाता है तो वहाँ पर एक बड सी बन जाती है थोड़े टाइम बाद में। तो ये जो बड बनती है ना, ये क्या पॉलीप्लॉइडी टाइप की होती है। इसमें हम कहें कि इसमें क्रोमोसोम के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो बाय इंजरी हम क्या है किसी भी प्लांट में पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करा सकते हैं। या फिर हम कहें कि अगर किसी प्लांट को कट किया जाए तो वहाँ पर एक कैलस का फॉर्मेशन होता है, कैलस ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक कैलस का फॉर्मेशन होता है, जो कैलस वाला पार्ट है वो पॉलीप्लॉइड पार्ट होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या वो ज़्यादा नंबर में होती है। या फिर हम सेकंड मेथड ले या दूसरा तरीका ले, तो क्या होता है अगर हम किसी भी प्लांट पार्ट को एक्सरे या यूवी रेज इनसे क्या है ट्रीट करवाते हैं या रेडिएशन से ट्रीट करवाते हैं, तो हमारा जो प्लांट है उसमें क्या है क्रोमोसोम के नंबर है वो डबल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारे तीसरा मेथड यूज होता है जिस पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करवाने का, उसमें क्या है हम बायो केमिकल्स या केमिकल्स के थ्रू क्या है हम पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करवाते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड आता है बाय इंजरी। तो जब प्लांट को इंजरी देते हैं तो वहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप फॉर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं कैलस कहते हैं। तो कैलस होता है हमारे पॉलीप्लॉइड पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारी बाय इंजरी क्या है हमारे देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जहाँ पर इंजर्ड पार्ट है प्लांट का वहाँ पर क्या है मेरिस्टेमेटिक या हम कहें कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है जो कि क्या है जिसे हम कैलस कह रहे हैं। और कैलस है ना ये एक सेल्स ऑफ ग्रुप होता है क्या हम सॉरी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। कैलस क्या है ये पॉलीप्लॉइड पार्ट होता है, इसमें क्या है गुणसूत्रों के नंबर ज्यादा होते हैं। तो बाय इंजरी हम किसी प्लांट को चोट पहुंचाएंगे वहां पर क्या एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा या हम कहें ग्रुप ऑफ सेल्स का सेल्स का ग्रुप का फॉर्मेशन होगा जो कि क्या है पॉलीप्लॉइड टाइप का होगा। तो फर्स्ट मेथड तो ये हमारा कि बाय इंजरी हम
पॉलीप्लॉयडी इंड्यूस कर सकते हैं। अब हमारे सेकंड मेथड की बात करें तो वो हो जाएगा फिजिकल मेथड। ठीक है, तो इस फिजिकल मेथड में क्या है, हम प्लांट को क्या है रेडिएशन से ट्रीट कर रहे हैं। प्लांट पार्ट को रेडिएशन से ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, उसमें पॉलीप्लॉयडी इंड्यूस हो जाएगी। क्या है हमारी पॉलीप्लॉयडी क्या है वो इंड्यूस हो जाएगी अगर हम रेडिएशन से ट्रीट करें। इसके बाद हमारा जो तीसरा आता है वो आता है हमारा केमिकल। केमिकल में हम कॉल्चिसिन है उसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी प्लांट में या हम किसी भी प्लांट पार्ट में अगर हम पॉलीप्लॉयडी इंड्यूस करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा हम कॉल्चिसिन का यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं, साइक्लोहेक्सेन का यूज़ करते हैं, क्लोरोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं, ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं पर सबसे ज़्यादा कौन सा हमारा कॉल्चिसिन यूज़ में आता है। अगर हम प्लांट की क्या है साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोहेक्सेन, कॉल्चिसिन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा से हम क्या है ट्रीट करवाएंगे, इफ प्लांट्स आर ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, कॉल्चिसिन, साइक्लोहेक्सेन या हम कहें क्लोरोहेक्सेन, देन पॉलीप्लॉयडी इज इंड्यूस्ड। इन केमिकल्स से ट्रीट करवाने पर हमारे प्लांट्स में क्या है पॉलीप्लॉयडी है वो इंड्यूस हो जाती है। तो ये तो हो गई हमारे तीन मेथड जिसके द्वारा हम क्या है किसी भी प्लांट में हम पॉलीप्लॉयडी इंड्यूस करवा सकते हैं। तो यहाँ हमने पॉलीप्लॉयडी के बारे में पढ़ लिया, फिर पॉलीप्लॉयडी कितने टाइप की होती है वो पढ़ लिया, पॉलीप्लॉयडी कैसे इंड्यूस करवाते हैं वो देख लिया। अब देखिए पॉलीप्लॉयडी के थ्रू कुछ प्लांट्स की वेराइटीज़ बनाई गई हैं जो कि क्या है बेस्ट है ऐसे मान के चलिए, क्योंकि देखिए पॉलीप्लॉयडी के थ्रू जो वेराइटीज़ बनाई जाती है ना वो स्टराइल नहीं होती, वो बंदे टाइप की नहीं होती, वो हमेशा फर्टाइल टाइप की होती है, हाई प्रोडक्टिव देती है वो। तो कुछ प्लांट्स हैं जिसे हम बात करें कि हमारे गेहूं की और हमारे सरसों की कुछ वेराइटीज़ बनाई गई, कपास की कुछ वेराइटी बनाई गई, तंबाकू की कुछ वेराइटीज़ बनाई गई है पॉलीप्लॉयडी के थ्रू, जिसमें क्या है हम क्रॉस करवाते हैं दो प्लांट्स के बीच में, दो वाइल्ड टाइप के प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवा के हम एक नई वैरायटी बनाते हैं जिसको हम क्या करते हैं कॉल्चिसिन से ट्रीट करते हैं। कॉल्चिसिन से ट्रीट करने के बाद क्या है उसमें क्रोमोसोम डबलिंग हो जाती है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर्स डबल हो जाते हैं। तो हमारी जो नई वैरायटी जो मिलती है वो हेक्साप्लॉयड होती है, वो हमारी टेट्राप्लॉयड होती है। ऐसे कुछ वैरायटीज बनाई गई है प्लांट्स की जिनके बारे में अब हम देखने वाले हैं, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो है एप्लीकेशन ऑफ पॉलीप्लॉयडी इन प्लांट ब्रीडिंग।
क्रिएशन ऑफ पॉलीप्लॉयडी इन प्लांट ब्रीडिंग। तो देखिए पॉलीप्लॉयडी से प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट्स की कुछ नई वेराइटीज बनाई गई जो बेस्ट है, और क्योंकि उनमें स्टरिलिटी नहीं पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, पॉलीप्लॉयडी का प्लांट ब्रीडिंग में यूज करके कुछ वाइल्ड टाइप वैरायटी से कुछ नई वैरायटीज बनाई गई है, वो क्या है, बेस्ट है। क्योंकि उनमें क्या है, बिकॉज, यहाँ हम शॉर्ट में बिकॉज को ऐसे लिख रहे हैं, इनमें क्या है, हमारी बंध्यता, स्टर्लिटी यानी बंध्यता नहीं पाई जाती, इसलिए क्या है, वो बेस्ट प्लांट है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे कि प्लांट्स की कौन कौन सी वैरायटीज बनाई गई है वाइल्ड टाइप प्लांट से। तो सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड लीफ, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड लीफ। अब देखिए ये जो हमारी ब्रेड लीफ वैरायटी है ना, ये हमारी दो गेहूं की वाइल्ड टाइप वैरायटी से मिलाकर बनाई गई है, जिसमें हमारी एक तो ट्रिटिकम मोनोकोकम है, और दूसरी हम वैरायटीज की बात करें तो हमारी एजिलोपस वैरायटी है, जिससे क्या है, जिनके बीच में क्रॉस करवा के पहले क्या है नई वैरायटी बनाई गई, उसको क्या है, उसको फिर दोबारा क्रॉस करवाया गया, या हम कहें कॉलजीसिन से ट्रीट करवा के एक हेक्साप्लॉयड वैरायटी बनाई गई है, जो कि क्या है हमारी ब्रेड वीट है, जिसको हम यूज करते हैं खाने में। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। देखिए हमारे पास ये दो वैरायटीज हैं, हमारी ट्रिटिकम मोनोकोकम और एजिलोपस पेक्टोरिस। इसमें क्या है, क्रोमोसोम के नंबर 14 हैं, और हमारा एन हो गया, या हमारे एगोनिक सेट्स हो गए, वो हो गए 7 हो गए। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया है, इसको मानिए इसमें है ए, तो हमारे सेट्स का नंबर हो गया ए। इसमें हम मान के चलते हैं बी, और ये हो गया बी, तो हम इसमें क्रॉस करवाएंगे तो हमारी वैरायटी बनेगी ए बी, करेक्ट। अब हम क्या है, इसमें 2n कितना है, 14 हो जाएगा, क्योंकि 7 इससे आ रहे हैं, 7 इससे आ रहे हैं, तो जो हमारी नई प्रोजेनी बनी उसमें क्या है, हमारे क्रोमोसोम हो जाएंगे 14। अब इसको क्या है, हम कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाएंगे, कॉल्चिसिन से ट्रीट करवा दिया, इसके
बाद हमारे जो पास जो नई वैरायटी आएगी वो होगी हमारी टेट्राप्लॉइड। ठीक है, टेट्राप्लॉइड वैरायटी होगी जिसमें हमारे 2n हो जाएंगे 28। ठीक है, ये हो गया 14 का दुगना कितना होता है 28। तो ये हमारी नई टेट्राप्लॉइड वैरायटी बनी है जिसमें हमारी क्या है, जो हमारे क्रोमोसोम के नंबर हैं वो है 28। इसके बाद ये क्या है ना, हमारी ये वाली वैरायटी, ये है हमारी अमरबीट। लेकिन ये क्या है, स्ट्राइक टाइप की है। ठीक है, ये हमारी वैरायटी है वो स्ट्राइक टाइप की है जिसको हम बोल रहे हैं अमरबीट। अब देखिए ये क्या है, इसके क्रोमोसोम हो गए। तो अब हमने क्या किया है, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे जो पहले वाले क्रॉस में हमारा अमरबीट बना था जिसके अंदर हमारे 28 क्रोमोसोम थे लेकिन वो स्ट्राइड टाइप का था। तो हमने क्या करा, उस अमरबीट का क्रॉस एक नई वैरायटी से करवाया, एजिलोपस स्क्वेरोसा से करवाया जिसमें हमारे क्या है 14 क्रोमोसोम है। ठीक है, हमारी 2n है वो 14 है तो हमारा n हो गया 7। हमने उसके क्रोमोसोम को डी से डिनोट किया है, इसके बीच में हमने क्रॉस करवाया। तो हमारी जो नई वैरायटी जो है ये है, इसमें क्या है, इसके ए बी और इसके डी। तो हमारे क्रोमोसोम 14 तो ये हैं, 7 वो हो गए तो 21 क्रोमोसोम हो गए। तो इसमें 2n कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, करेक्ट। तो अब क्या है, इस वैरायटी को हमने वापस से क्या है कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाया। तो कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाने पर क्या है, हमारे क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। तो हमारी जो नई वैरायटी है उसमें हम ए ए बी बी और डी, या हम कहें ये हेक्साप्लॉइड वैरायटी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाने के बाद ये हमारी हेक्साप्लॉइड वैरायटी बनी है 6F, जिसमें हमारे क्रोमोसोम के नंबर है वो क्या है 42, जो कि क्या है सुपर स्ट्राइड टाइप की वैरायटी है। फर्टाइल टाइप की वैरायटी है। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए। तो हमने यहां क्या है, हमने पहले दो वाइल्ड टाइप वैरायटी ली, मोनोकोकम और एजिलोपस की, उसमें 14-14 क्रोमोसोम थे। जो हमारी वैरायटी बनी उसको हमने क्या है, पहले कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाया, बना हमारा अमरबीट। अमरबीट क्या था, स्टेराइल टाइप का था और फोरेक्स टाइप का था, टेट्राप्लॉइड। फिर हमने क्या किया, अमरबीट को एजिलोपस की एक नई वैरायटी से ट्रीट क्रॉस करवाया और जो हमारा प्रोजेनी बनी उसको हमने कॉल्चिसिन से ट्रीट करवा के एक हेक्साप्लॉइड वैरायटी बनाई है, जो क्या है, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर